दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में जो है दोस्तों, हम डीसी मोटर के बारे में जानेंगे कि डीसी मोटर जो है किस तरह से काम करता है और किस तरह से वर्क करता है, और इसकी जो रनिंग कंडीशन होती है वो हम कितने वोल्ट मोटर को कितना वोल्ट तक देंगे तो चल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखें आप लोग, और आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए। तो अभी ये देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास जो है अभी ये 12 वोल्ट मोटर का है, और इसकी जो बॉडी है मैंने पूरा खोल लिया है। और खोलने के बाद जो है इसका जो मैग्नेट वगैरह है, तो ये देख सकते हो, ये इस मोटर का जो है ये देख सकते हो। तो इसके अंदर से मैंने जो है आर्मेचर निकाल लिया है, और मैग्नेट को जो है मैंने एक मैग्नेट को जो है मैंने चिपका के इस तरह से, ये देखिए, दोनों मैग्नेट को जो है ये देखिए टेप से चिपका करके जो है इस तरह से कर लिया है। और ये हमारा जो है ये साउथ है और ये हमारा नॉर्थ। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से दोस्तों क्या होता है कि अगर हम मैग्नेट को साउथ पोल से अगर नॉर्थ पोल में डालते हैं तो जो रोटेक्शन है दोस्तों वो हमारा जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए, मैं इस मैग्नेट को अगर साउथ पोल की तरफ से अगर इस तरह से रखता हूँ तो हमारा जो है लेफ्ट अगर घूम रहा है तो राइट में घूमेगा। तो मैग्नेट से जो है हमारा रोटेशन भी चेंज हो जाता है। तो अभी मैं 12 वोल्ट का है मोटर, और इसको मैं अभी फ़िलहाल जो है 12 वोल्ट से चलाऊँगा, और उसके बाद जो है इसका वोल्टेज जो है बढ़ाऊँगा, 24 वोल्ट दूँगा, और देखेंगे कि ये मोटर कितना काम करता है, कितने वोल्ट तक जो है सप्लाई को जो है ये झेल सकता है। और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मोटर ओपन करके चलता है या नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे, और देख सकते हो इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन किया है चिपका करके जो है, ताकि हम इसको जो है चेक कर सकें कि ये किस तरह से जो है काम करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, तो यहाँ पर अभी मेरे पास जो है देख सकते हो, अभी ये 12 वोल्ट का सप्लाई है। तो पहले मैं 12 वोल्ट का सप्लाई इसको दूंगा, और उसके बाद फिर जो है इसको 24 वोल्ट का सप्लाई दूंगा। तो चलिए, अभी मैं 12 वोल्ट का सप्लाई जो है इसको मैंने यहाँ पर अभी दे देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, तो अभी मैंने जो है 12 वोल्ट का सप्लाई जो है दे दिया है। और थोड़ा उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियर दिखे। तो ये मैग्नेट है मेरे पास, तो इस तरह से कुछ रखना है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं चल रहा है, पहले सप्लाई चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। हाँ, सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए, पहले मैं वायर लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। तो दोस्तों, अब जो है इसको सप्लाई मिल गई है, तो अब मैग्नेट को हम धीरे धीरे पास लेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने पास लिया, ये देखिए ये रोटेट करना चालू कर दिया, और अभी मैं इतना दूर रखा हूँ तो ये आराम आराम से घूम रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे मैं इसके पास लूँगा, इसकी जो RPM है वो बढ़ती जाएगी। तो आप आवाज़ सुनिएगा, तो अभी मैं धीरे धीरे पास लेता हूँ, आप खुद देखिए, इसका आवाज़ सुनिए। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैग्नेट को मैं हटा ले रहा हूँ, ये जो है बंद हो जा रहा है, और जैसे ही पास ले रहा हूँ चल रहा है। तो ये हर तरह से जो है चल रहा है, ये देखिए, इस तरफ मैग्नेट पकड़ने से थोड़ा स्पीड जो है और ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से जो है डीसी मोटर काम करता है दोस्तों, आप देख सकते हो। यही चीज़ जो है मोटर के अंदर जो है पैक होता है दोस्तों, तब भी इसी तरह से जो है वर्क करता है।
क्योंकि हमारे जो ब्रशेस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर से इसको आर्मेचर को सप्लाई मिलती है, और मैग्नेट जो होता है दोस्तों, वो हमारे जो कॉइल से जो फील्ड से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, तो ये हमारा मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींचता है, और इस तरह का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कंटिन्यू चलते रहती है, जिस वजह से जो है आर्मेचर को घूमना पड़ता है। तो आप देख सकते हो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी जो हमारा आर्मेचर है ये देखिए अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देख सकते हो राइट में घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जैसे ही मैं अगर इस मैग्नेट को इस तरह कर दूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये देखिए अभी लेफ्ट साइड में घूम रहा है। तो ये मैग्नेट से भी जो है आरपीएम जो है हमारा जो लेफ्ट राइट है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों 12 वोल्ट में जो है परफेक्टली काम कर रहा है, अब इसको हम 24 वोल्ट देने वाले हैं, देखते हैं ये चलता है या फिर जल जाता है। तो चलिए पहले इसको चालू ही रहने देंगे, और हम डायरेक्ट जो है इसको चालू रहने देंगे, और मैं एक स्विच वहाँ पर दबाऊंगा, और जो ये हमारा सप्लाई है वो डायरेक्ट 24 वोल्ट में आ जाएगा। आप आवाज़ सुन के आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि इसकी पावर जो है मैंने बढ़ा दिया है। तो चलिए, तो बस आप आवाज़ सुनिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो है ये जलना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये देखिए पूरी तरह से जो है ये जल गया, आप देख सकते हो। हमारा 12 वोल्ट का मोटर था और काफ़ी ख़राब कंडीशन जो है इसकी हो गई, और ये पूरी तरह से जो है जल गया, आप देख सकते हो पूरा धुआं आना शुरू हो गया। तो ये 24 वोल्ट जो है नहीं बर्दाश्त कर पाया दोस्तों। तो ये देखिए पूरी तरह से जो है ये बहुत गर्म हो गया है, और मैं आपको खोल करके इसको दिखाता हूँ। तो ये चिपक गया है पूरा जल के, बहुत गर्म हो गया है, ये देखिए बहुत गर्म हो गया है, बहुत गर्म है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो कि मोटर की क्या हाल हो गई है दोस्तों। जो हमारा आर्मेचर का कम्यूटेटर होता है दोस्तों, वो पूरा जल के ख़त्म हो गया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आ रही। तो इस वजह से जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ।